चलो ध्यान दो। तो अभी आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया था, अभी हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। अभी डायग्राम ड्रॉ करना बंद करो और कल आते वक्त आपको ह्यूमन ईयर की डायग्राम घर से 3 times ड्रॉ करके लानी है। हाँ, और सबके डायग्राम चेक की जाएगी और जिसको नहीं आएगा वो कल मेरे घर पे रुकेगा, ठीक है। और फिर पूरी जितनी डायग्राम है जब तक आपको नहीं जमती तब तक हम उसको फिर ट्राई करते रहेंगे। फिर आपको कैसे नहीं जमते हैं, कितने टाइम में जमेंगी वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी इधर ध्यान दो आप। तो ह्यूमन ईयर जो रहते हैं उसमें 3 parts होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे ईयर का है दैट इज द एक्सटर्नल ईयर। ओके, एक्सटर्नल ईयर में क्या रहता, तो ये जो हमने ड्रॉ किया है दिस इज द ईयर पिन्ना। ध्यान दो, पहले हमको पूरा समझना है और फिर उसके बाद में 3 बार देख के रिवाइज करके चौथी बार आंख बंद करके पूरा रिवाइज भी करना है। तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मतलब ये क्या काम करता है, ये कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। आपको पता है कि साउंड जो रहता है ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, तो साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम हमारा ईयर पिन्ना जो है वो करता है। जैसे साउंड वेव्स कलेक्ट हुई, साउंड वेव विल पास थ्रू दिस कैनाल। ओके, और ये जो कैनाल है इस कैनाल को नाम देते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। रिपीट करो, क्या नाम है इस कैनाल का? ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के अंदर रहती है सेरुमिनस ग्लैंड्स। क्या नाम है ग्लैंड्स का बताओ एक बार? सेरुमिनस ग्लैंड्स। और सेरुमिनस ग्लैंड्स अंदर वहां पे करती है सिक्रेशन ऑफ द वैक्स। वैक्स सिक्रेट करती है। आपके काना मध्ये मॉइस्चर जमा होता ना, सबके कान में मैल जमा होता है और वो जो मैल है कान में जमा होने वाला उसको नहीं निकाले तो ज्यादा अच्छा है। मतलब एकदम पूरा कान ब्लॉक होने तक के नहीं रहने देना है, पर किसी किसी को आदत रहती है ना, बैठे बैठे वो करते रहते हैं अपने कान में ऐसे कोरते रहते हैं कान को, तो देट इज रॉन्ग। क्योंकि कान में जो मैल वो वैक्स है एक्चुअली, खरच मतलब लिटरली वो मैल नहीं है जो बिना नहाने से डेवलप हो रहा है, वो वैक्स है। एंड देट इज नीडेड फॉर अवर ईयर, अवर मीटर्स, अवर कैनाल। इट इज बिकॉज की जो भी पैथोजन अंदर जा रहे हैं यहाँ पे जो वैक्स रहता है उसको वो चिटक जाते हैं पैथोजन, डायरेक्ट अंदर नहीं जाते। ईयर का इन्फेक्शन जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो ऊपर ऊपर मतलब कंटिन्यूस अपने कान साफ करते रहते हैं उनमें एक्चुअली इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है सालों साल कान साफ नहीं करेंगे आप, बट कंटिन्यूस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ईयर पिन्ना साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। उसके बाद ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, मतलब ये कैनाल क्या रहती है इसमें, रिपीट करो एक बार, सेरुमिनस ग्लैंड्स। क्या सिक्रेशन होता है यहाँ पर? वैक्स। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का जो एंड है यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है। दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को नाम देंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर उसको ईयर ड्रम भी बोलेंगे, ठीक है। क्या नाम दिया है मेम्ब्रेन का, रिपीट करो एक बार, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ड्रम। इसके आउटर साइड में आपको दिखता है स्किन और अंदर साइड में आपको दिखती है मेम्ब्रेन। मतलब अगर हमारे कान में आप ऐसे लाइट मारेंगे और देखेंगे तो जो कैनाल है उसके एंड में आपको ऐसा लिटरली पर्दा नहीं दिखता, तो स्किन दिखती है। ट्राई करके देखो, अब अपने आप खुद तो अपने कान में नहीं देख सकते, दूसरे के कान में बिना मैल वाला कान देना और उसमें एक बारीक वाला टॉर्च जाता है, तो बारीक वाले टॉर्च से उसके कान के अंदर में देखना, तो जहाँ पे वो कैनाल खत्म होता है, घर पे जाके मैंने बोला हाँ, तो जहाँ पे वो कैनाल खत्म होता है वहां पे एक आपको स्किन दिखाई देगी, जहाँ पे मतलब वो क्लोज हो रहा है, वो टनल वहां पे क्लोज हो गया, तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है एक्चुअली। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर के साइड में आपको क्या दिखाई देता है? स्किन। स्किन है बाहर के साइड में और अंदर के साइड में वहां पे क्या रहती है फिर? मेम्ब्रेन। समझ में आया? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बाहर के साइड में क्या रहेगा? स्किन। और अंदर के साइड में क्या रहेगा? मेम्ब्रेन। उसको ईयर ड्रम भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। ईयर पिन्ना, मीटर्स और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। फिर जो ब्लू कलर से आपको बीच में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सो दैट इज द मिडल ईयर। तो ये जो मिडल ईयर रहता है इट हैज 3 ear ossicles। ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर बोन। ओके, तो मिडल ईयर में हमको, मिडल ईयर में हमको क्या दिखाई देता है? सो मिडल ईयर कंटेन 3 ear ossicles। ऑसिकल्स का मतलब क्या रहता है? बोन। 3 ear, मिडल ईयर में 3 bone हमको दिखाई देंगे। कौन कौन से बोन दिखाई देंगे? तो ये जो है
दिस इज नोन एज अ मैलस. ये सेकंड बोन आपको दिखता है उसको बोलेंगे इनकस. और ये थर्ड वाला सबसे छोटा, सी दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी. ध्यान रखना, इधर ध्यान दो. ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी विच इज नोन एज अ स्टेप्स. ओके, तो कौन सा वाला ईयर है ये हमारा, बताओ? मिडल ईयर. क्या दिखाई दे रहे हैं आपको मिडल ईयर में? यू विल फाइंड द थ्री ईयर ऑसिकल्स. रिवाइज करो, मिडल ईयर में क्या दिखाई देगा आपको बताओ? थ्री ईयर ऑसिकल्स. क्या क्या नाम है तीन ईयर ऑसिकल्स के? मैलस, इनकस, स्टेप्स. अगेन रिपीट करो, थ्री ईयर ऑसिकल्स का नाम क्या आएगा? मैलस, इनकस, स्टेप्स. फिर से रिवाइज करो, थ्री ईयर ऑसिकल्स आर मैलस, इनकस, स्टेप्स. ओके, फिर ये तीन ईयर ऑसिकल के बाद यहाँ से आपको एक ट्यूब निकलती दिखाई दे रही है. ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम आएगा यूस्टाशियन ट्यूब. यूस्टाशियन, ये वर्ड कहीं पे सुना है आपने? कहाँ पे सुना था? हार्ट. संयम तो डाल लो बरोबर. हार्ट में वाल्व थी ना, यूस्टाशियन वाल्व. कहाँ पे थी यूस्टाशियन वाल्व? इंफेरियर वेना केवा की ओपनिंग पे थी ना यूस्टाशियन वाल्व. ठीक है, ध्यान दो अभी इधर. तो देखो, मिडल ईयर से ये ट्यूब निकल रही है जिसको बोलेंगे यूस्टाशियन ट्यूब. अब इधर ध्यान दो, सपोज यहाँ पे आपका अंदर ऐसा मिडल ईयर है, तो दोनों साइड के मिडल ईयर से यूस्टाशियन ट्यूब आएगी और इधर फेरिंग्स में आकर ओपन होगी. समझ में आया? ये जो दिख रहा है ये क्या है? एक्सटर्नल ईयर. अंदर दबा हुआ क्या रहेगा यहाँ पर? मिडल ईयर. दोनों साइड के मिडल ईयर से यूस्टाशियन ट्यूब आएंगी, यहाँ पर फेरिंग्स में आकर ओपन होगी. क्यों? कान में हवा जाती है ना दोनों तरफ से, उसके प्रेशर को बैलेंस करने के लिए. दोनों साइड से कान में जो हवा जा रही है वो प्रेशर को बैलेंस करना है. उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यूस्टाशियन ट्यूब ऐसे फेरिंग्स में ओपन होती है. समझ में आया? तो दोनों मिडल ईयर से निकलेंगे यूस्टाशियन ट्यूब, सामने इधर फेरिंग्स में आएंगे एंड दे बैलेंस द एयर प्रेशर इन बोथ द ईयर. अगेन बताओ, यूस्टाशियन ट्यूब क्या काम करेंगे? दे बैलेंस द एयर प्रेशर इन, बोलो फटाफट, क्या करेंगे यूस्टाशियन ट्यूब? दे बैलेंस द एयर प्रेशर इन बोथ द ईयर. फिर एक बार रिपीट करो, यूस्टाशियन ट्यूब का काम क्या रहेगा? दे बैलेंस द एयर प्रेशर इन बोथ द ईयर. दोनों कान के अंदर का एयर प्रेशर बैलेंस करने का काम यूस्टाशियन ट्यूब का रहता है. ओके, फिर एक बार, कौन सा है स्टार्टिंग का पार्ट ईयर का? एक्सटर्नल ईयर में क्या दिखाई देगा? ईयर पिन्ना के बाद इस कैनाल को क्या नाम दिया गया? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के अंदर क्या दिखाई देंगी ये? अगेन रिवाइज करो, क्या दिखाई देता है? सेरुमिनस ग्लैंड. क्या सिक्रेट करेंगे ये? वैक्स. इस कैनाल के एंड में आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. फिर रिपीट करो, क्या दिखाई देगा एंड में यहाँ पर? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. आउटर साइड में रहेगा स्किन, इनर साइड में मेम्ब्रेन. उसके बाद में फिर बीच में क्या रहता है? मिडल ईयर कंटेन्स द, लास्ट में आके बंद करके रिवाइज भी करना है तो वैसे रिवाइज कर करो, बाद में लिखो घर पे जाके. तो मिडल ईयर में क्या दिखाई देंगे आपको बताओ? थ्री ईयर ऑसिकल. क्या नाम है तीन ईयर ऑसिकल्स या बोन का? हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन, स्टेप. उसके बाद ये ट्यूब निकलेंगी, दिस ट्यूब इज नोन एज अ यूस्टाशियन ट्यूब. अगेन ट्यूब को क्या नाम दिया गया है? यूस्टाशियन ट्यूब. फिर उसके बाद ये जो आपको ब्लैक वाला राउंड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर का इधर का पूरा पोर्शन, सो दिस इज नोन एज द इंटरनल ईयर. सी इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज अ लैबरिंथ. बताओ क्या वर्ड यूज किया है इंटरनल ईयर के लिए? लैबरिंथ. अगेन द इंटरनल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लैबरिंथ. ठीक है, तो इस लैबरिंथ में इंटरनल ईयर में एक कॉइल्ड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं. दिस कॉइल्ड पोर्शन ऑफ इंटरनल ईयर और लैबरिंथ इज नोन एज अ कॉक्लिया. और यहाँ से एक नर्व भी निकलती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. ठीक है, ये नर्व निकलती हुई दिखाई देंगी. सो दिस कॉइल्ड वाला पोर्शन जो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉक्लिया. ओके, अब ये जो कॉक्लिया वाला पोर्शन है जिसमें आपको राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, उस कॉक्लिया को अगर हमने कट किया, सपोज ये जो कॉक्लिया वाला पोर्शन है राउंड वाला, इसको अगर हमने कट किया, मतलब हमने अगर इसका क्रॉस सेक्शन लिया, तो उसके क्रॉस सेक्शन में हमको क्या दिखाई देता है?
देखो, तो अगर हमने इस कॉकलिया को कट किया तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है अब उसके क्रॉस सेक्शन में कॉकलिया के हमको क्या दिखाई देगा, जहां पर भी हमने कॉकलिया को कट किया वहां पर ये ऐसी एक मेम्ब्रेन है और ये ऐसी एक दूसरी वाली मेम्ब्रेन है। तो आपको इनिशियली यहाँ पर ऐसी दो मेम्ब्रेन और दो मेम्ब्रेन के अंदर आपको दो कैविटीज दिखाई देगी। बोर्ड पर ध्यान दो, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है दिस इज नोन एज द रेजिनस मेम्ब्रेन। रिपीट करो एक बार, क्या नाम है इस मेम्ब्रेन का? रेजिनस मेम्ब्रेन। अगेन क्या नाम लेंगे उस मेम्ब्रेन का हम? रेजिनस मेम्ब्रेन। ओके, कॉकलिया जो है ना राउंड, कभी भी कट करेंगे उसका क्रॉस सेक्शन देंगे तो अंदर हमको ये दिखाई देता है। क्या दिखाई दिया अंदर? तो ये मेम्ब्रेन, क्या नाम है इस मेम्ब्रेन का? रिपीट करो एक बार, रेजिनस मेम्ब्रेन। रेजिनस मेम्ब्रेन के अंदर ये कैविटी दिख रही है आपको। दिस कैविटी ऑफ रेजिनस मेम्ब्रेन इज नोन एज अ स्कैला वेस्टिब्युलाई। बताओ फिर से, क्या नाम लेंगे कैविटी का? स्कैला वेस्टिब्युलाई। ओके, रेजिनस मेम्ब्रेन के अंदर की कैविटी मतलब स्कैला वेस्टिब्युलाई। ये स्कैला वेस्टिब्युलाई कैविटी के अंदर रहेगा लिक्विड एंड दैट लिक्विड इज नोन एज अ पेरिलिम्ब। अंदर का जो इंटरनल ईयर रहता है इट इज नॉट ड्राई, इट इज फुल्ली मेड अप ऑफ अ फ्लूइड। इंटरनल ईयर में पूरा लिक्विड भरा हुआ रहता है। तो ये जो कैविटी है रेजिनस मेम्ब्रेन की स्कैला वेस्टिब्युलाई, इसके अंदर के कैविटी को हमने क्या अंदर के फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया है? पेरिलिम्ब। ओके, ये जो मेम्ब्रेन है दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज अ बैसिलस मेम्ब्रेन। रिपीट करो फिर से एक बार, क्या बोलेंगे इस मेम्ब्रेन को हम? बैसिलस मेम्ब्रेन। अगेन क्या बोला जाएगा मेम्ब्रेन को? बैसिलस मेम्ब्रेन। बैसिलस मेम्ब्रेन के अंदर भी आपको कैविटी दिख रही है, तो बैसिलस मेम्ब्रेन के अंदर की कैविटी को बोलेंगे स्कैला टिम्पैनी। अगेन क्या बोला जाएगा कैविटी को? स्कैला टिम्पैनी। फिर एक बार, क्या बोला जाएगा कैविटी को? स्कैला टिम्पैनी। यहाँ पर भी रहेगा लिक्विड और यहाँ के लिक्विड को अगेन बोलेंगे पेरिलिम्ब। फिर बताओ क्या बोला जाएगा वहां के लिक्विड को? पेरिलिम्ब। समझ में आया? अब इन दोनों के बीच आपको अगेन गैप दिखाई दे रही है, स्कैला वेस्टिब्युलाई स्कैला टिम्पैनी दोनों के बीच में आपको ये गैप दिखती है। तो ये जो गैप वाली कैविटी यहाँ पे है दिस कैविटी इज नोन एज अ स्कैला मीडिया। बताओ क्या बोलेंगे बीच की कैविटी को? स्कैला मीडिया। और स्कैला मीडिया में भी रहता है लिक्विड और यहाँ के लिक्विड को बोलेंगे एंडोलिम्ब। मतलब ये दोनों कैविटी का जो लिक्विड है वो पेरिलिम्ब और बीच में यहाँ पे जो लिक्विड होगा दिस इज नोन एज अ एंडोलिम्ब। समझ में आया? दोनों भी कैविटी के अंदर जो लिक्विड होगा उसको पेरिलिम्ब बोलेंगे और बीच में यहाँ पे जो लिक्विड होगा उसको बोला जाएगा एंडोलिम्ब। समझ में आया? फिर एक बार ध्यान दो, ये राउंड राउंड वाला जो इंटरनल ईयर का पार्ट है, इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज अ, सुनाई नहीं दे रहा आपका आवाज? इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज अ, इसमें जो ये पूरा राउंड है उसको हमने क्या नाम दिया? कॉकलिया। क्या नाम दिया है बताओगे? कॉकलिया। कॉकलिया का हमने क्या लिया? क्रॉस सेक्शन। कॉकलिया के क्रॉस सेक्शन में ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन, क्या नाम देंगे उसको हम? रेजिनस मेम्ब्रेन। उसके अंदर की कैविटी को क्या नाम दिया गया है? स्कैला वेस्टिब्युलाई। और उसके अंदर के लिक्विड को बोलेंगे देन सेकंड मेम्ब्रेन इज नोन एज अ। फिर एक बार बताओ ये सेकंड मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देंगे? बैसिलस मेम्ब्रेन। कितना फटाफट रिवाइज करेंगे आगे जाएंगे। बैसिलस मेम्ब्रेन, ऐसा लगता बाप रे कितने भागे भागे लड़के हैं ये। हाँ, क्या बोलेंगे ये मेम्ब्रेन को? बैसिलस मेम्ब्रेन। उसके अंदर की कैविटी को क्या बोलेंगे? स्कैला टिम्पैनी। उसके अंदर के लिक्विड को हम बोलेंगे पेरिलिम्ब। बीच की कैविटी को क्या बोलेंगे बताओ? यहाँ पर स्कैला मीडिया। स्कैला मीडिया में जो लिक्विड होगा दैट इज नोन एज अ एंडोलिम्ब। ओके, और अब देखो बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे ना सेल्स का ऐसे ग्रुप होता है, सीलिएटेड सेल्स है ये। सीलिएटेड सेल मतलब इनके सरफेस पे यहाँ पे हमको क्या दिखाई देंगे? ऐसे सीलिया। ओके, तो ऐसे सीलिएटेड सेल्स का ये ग्रुप हमको बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर दिखाई देता एंड दिस इज नोन एज अ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये सीलिएटेड सेल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? रिपीट करो एक बार, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। उनमें आपको सीलिया दिखाई दे रहे हैं, जो सीलिया है उनको हम स्टीरियो सीलिया ऐसे भी बोलेंगे।
तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय पे आपको क्या दिखाई देता है? स्टीरियोसिलिया। समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय के ऊपर ये फ्लेक्सिबल ऐसी मेम्ब्रेन है। दिस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन अबव द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय इज नोन एज अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बताओ क्या बोलेंगे इस मेम्ब्रेन को हम? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो। एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय का जो बेस रहता है, इससे एक न्यूरॉन निकलता है सेंसेशन लेकर। ऑफ कोर्स सेंसेशन लेकर निकल रहा है मतलब कौन सा होगा? एफरेंट की इफरेंट, इफरेंट मतलब मोटर और एफरेंट मतलब सेंसरी। तो सेंसेशन लेकर निकल रहा है मतलब कौन सा न्यूरॉन होगा? ये एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि एफरेंट का मतलब क्या है? सेंसरी। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है जो कि सेंसेशन लेकर निकल रहा है। फिर से एक बार रिपीट करो, हमारे ईयर जो है, ईयर के हैं तीन पार्ट। कौन से तीन पार्ट है ईयर के? एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। फटाफट, एक्सटर्नल ईयर में फर्स्ट पार्ट इज ईयर पिन्ना से क्या निकलेगा? उसके एंड में आपको दिखाई देगा मीटर्स के अंदर में क्या प्रेजेंट है? ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद बीच के पोर्शन को बोला गया इट कंटेन्स द। कौन से तीन बोन यहाँ पे रहते हैं बताओ? स्टेप्स हमारे बॉडी का सबसे शॉर्ट बोन, प्लस मिडल ईयर से ट्यूब निकलेंगी। द ट्यूब इज नोन एज अ ट्यूब। अगेन रिपीट करो, ट्यूब को हम क्या नाम देंगे? ट्यूब। कहाँ पे ओपन होंगी? दोनों तरफ से आकर ये फैरिंग्स, और क्या करेगी फैरिंग्स में? बैलेंस द एयर प्रेशर, दोनों साइड का एयर प्रेशर बैलेंस करेंगी। उसके बाद फिर लास्ट वाला पार्ट क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा? इंटरनल ईयर, आल्सो नोन एज अ लैब्रिंथ। अगेन इंटरनल ईयर इज आल्सो नोन एज अ लैब्रिंथ। उसमें कॉइल वाले पोर्शन को क्या बोला गया है? यहाँ से वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व भी निकलेंगी। ओके, कॉक्लिया का हमने क्या लिया? क्रॉस सेक्शन, उसको कट किया। तो फटाफट बताओ क्या दिखाई देगा? दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज अ, अगेन द मेम्ब्रेन इज नोन एज अ रेजिनस मेम्ब्रेन। के कैविटी को हम क्या नाम देंगे? यहाँ पे लिक्विड को क्या नाम दिया गया है? ये नीचे वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? बैसिलस मेम्ब्रेन की कैविटी को हमने क्या नाम दिया? स्केलेटन। टिम्पैनी का भी लिक्विड को क्या बोला गया? दोनों के बीच की ये गैप, इस गैप को हमने क्या नाम दिया? स्केला मीडिया। स्केला मीडिया में कौन सा लिक्विड प्रेजेंट रहता? बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो सिलिएटेड सेल्स का ग्रुप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, दिस इज नोन एज व्हाट? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय। उसमें आपको क्या दिखाई देते हैं सेल्स के ऊपर? स्टीरियोसिलिया, सिलिया दिखाई देगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय पे एक मेम्ब्रेन कवर करती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, वो ऊपर से उनको पुश करती है। तो दिस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन इज नोन एज अ, अगेन द फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन इज नोन एज अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाय के नीचे से सेंसरी न्यूरॉन निकलेगा विच इज नोन एज अ एफरेंट न्यूरॉन। तो होता क्या है कि जैसे साउंड वेव्स हमारे ईयर पिन्ना में एंटर कर जाती है, ईयर पिन्ना में साउंड वेव्स एंटर कर गई, मीटर्स से जा रही है और ये आके धड़कती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी धड़क गई मतलब वाइब्रेट हो गई। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन किसको जाएंगे? मैलस। इसके वाइब्रेशन किसको जाएंगे? इनकस। इसके वाइब्रेशन किसको जाएंगे? स्टेप्स। सब लोग धड़कते भड़कते हैं यहाँ पे, है ना, सबके वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ये वाइब्रेशंस फिर किसके अंदर जाएंगे? इंटरनल ईयर। उधर तो पूरा लिक्विड भरा है, पेरिलिम्फन एंडोलिम, तो एंडोलिम्फन पेरिलिम्फ भी क्या होगा? वाइब्रेट। अब उसके वाइब्रेशन से देखो, ये भी सब वाइब्रेट वाइब्रेट हो रहा है, तो ये सब वाइब्रेट होने से जो स्टीरियोसिलिया है ये भी क्या होंगे? वाइब्रेट। ऐसे ऐसे करेंगे ना स्टीरियोसिलिया, तो जैसे वो स्टीरियोसिलिया का मूवमेंट होता है उसके ऊपर ये कौन सा वाला मेम्ब्रेन है यहाँ पर? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इधर सिलिया मूव करेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन उसको ऐसे नीचे पुश करता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे होता है, स्टीरिया का मूवमेंट हो रहा है, स्टीरियोसिलिया का टेक्टोरियल मूवमेंट उसको पुश करता है, उस वजह से यहाँ पे स्टिम्युलस जनरेट होता है। एंड ये स्टिम्युलस, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ब्रेन तक जाकर पहुँचाता है। और फिर हम समझते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, या फिर कभी कभी समझने के बाद भी जैसे सुन के भी हम अनसुना कर देते हैं फॉर लेक्चर्स, है ना, कुछ मतलब लेने देने नहीं है। ब्रेन समझ रहा है टीचर क्या बोल रहे हैं, बट आप समझना नहीं चाहते कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे समझने समझने का फर्क है, जो समझ लेते हैं उनको टाइम भी समझ लेता है और फिर आपका बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है, जो नहीं समझते
टाइम भी उनको नहीं समझता, फिर वो टाइम बाद का जो रहता वो आपको समझाता है कि आपकी वहाँ पे क्या गलती हुई, तो आपने नहीं समझा इसीलिए आपका कितना लॉस हुआ। समझा आपको अभी ये? ठीक है, इधर ध्यान दो। तो ऐसे समझते ये इंटरनल ईयर कंप्लीट किया है, देखो ध्यान दो। तो ये जो अभी हमने देखा, इट इज ओनली फॉर द ऑडिटरी फंक्शन, मतलब ये जो मैंने ईयर का आपको पोर्शन पढ़ाया ये सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर ऑडिटरी फंक्शन। पर इसके पहले हमने क्रैनियल नर्व में क्या पढ़ा था कि हमारा जो ईयर है वो दो काम करता है, एक ईयरिंग, दूसरा इक्विलिब्रियम। दो काम होते हैं ना ईयर के, ह्यूमन ईयर वर्क्स फॉर टू थिंग्स, वन इज हियरिंग एंड सेकंड इज इक्विलिब्रियम। तो हियरिंग का काम कैसे होता है ये तो आपको समझ में आया, सब धड़क रहे हैं भड़क रहे हैं सब वाइब्रेट हो रहे हैं और फाइनली जाके स्टिमुलस ब्रेन तक जा रहा है, हियरिंग का काम। अब दूसरा क्या? इक्विलिब्रियम, हमारे बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन रखता है हमारा ईयर। तो बैलेंस मेंटेन रखने के लिए आपको इंटरनल ईयर पे कॉकलिया पे तीन टोपीज दिखाई दे रही है, तो ये जो तीन यहाँ पे टोपी है उसको मिलाकर हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस। जगह नहीं इसीलिए इसके ऊपर लेबर कर रहे हैं आप, लेबर एरो दिखा के ऊपर करना। तो वेस्टिब्यूलर एपरेटस जो है उसमें क्या रहता है, तो यहाँ पे दिखते हैं देखो, तो ये आपको इंटरनल ईयर के ऊपर क्या दिखाई देता है, वेस्टिब्यूलर एपरेटस। और वेस्टिब्यूलर एपरेटस में आपको दिखते हैं थ्री सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स। वेस्टिब्यूलर एपरेटस में रिपीट करो एक बार, क्या दिखाई देता है आपको? थ्री सेमी सर्क्यूलर कैनाल। ये जो तीन है सेमी सर्क्यूलर है ना, सेमी सर्क्यूलर समझ में आता है ना आपको, सेमी सर्कल। तो ये तीन सेमी सर्क्यूलर कैनाल एक दूसरे पर ना ये परपेंडिकुलर रहते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर है सपोज, और ये एक तीसरा और ये मार्कर, समझ में आया आपको? तो ऐसे ये तीन सेमी सर्क्यूलर कैनाल एक दूसरे से क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, अब अगर ये सेमी सर्क्यूलर कैनाल में से एक कैनाल अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो अगर आप देखेंगे तो उसका एंड आपको ऐसे स्वोलन दिखाई देता है ना, यहाँ पे हमने बड़ा ड्रॉ किया समझने के लिए। तो सेमी सर्क्यूलर कैनाल का जो एंड है, देखो ये एंड हमने सिंपल ऐसा नहीं ड्रॉ किया ना, ऐसा नहीं है, उसका एंड जो रहता वो कैसा दिखाई देता? स्वोलन, सूजा हुआ एंड, और उसके सूजे हुए एंड को ऐसे रिसेप्टर भी रहते इधर। अब इसमें जितने भी नाम आएंगे फटाफट सारे हमको लर्न करना है। तो इसका ये जो सूजा हुआ एंड रहता है दैट एंड इज नोन एज अ एम्प्यूला। स्वोलन वाले एंड को क्या बोला गया है रिपीट करो? एम्प्यूला। एम्प्यूला में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं रिजेस, दिस इज द क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। एम्प्यूला में आपको क्या दिखाई देता है? क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, ये जो स्वोलन वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज अ एम्प्यूला। और एम्प्यूला में जो रिजेस आपको दिखाई देते ये इन रिजेस को, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। क्रिस्टा एम्प्यूलरिस का काम क्या रहता? तो क्रिस्टा एम्प्यूलरिस आर देयर फॉर द डायनेमिक बैलेंस। किस चीज का बैलेंस की बात हो रही है? हमारा ईयर किस चीज का बैलेंस, किस चीज का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है? तो देखो नीचे ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमें अपने तरफ खींच रही है, तो जब आप लिखने के लिए नीचे देखते हैं ग्रेविटी आपके हेड को खींच रही है ना, तो आपका हेड सीधे जाके साष्टांग नमस्कार करता है क्या? कंटिन्यूअस कैसा नीचे देखा कि बस जमीन पर टच हो गए, फिर बहुत मुश्किल से आपने हेड को ऊपर उठाया? नहीं, ऐसा कब होता है? जब बैलेंस बिगड़ जाता है, चक्कर आते हैं, चक्कर आने से आप नीचे सीधा गिर जाते हो ना, लोटांगनस जा रहे हो। ओके, मतलब उसमें फिर क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखो समझ लो, दो तरह का बैलेंस हमारा ये सेमी सर्कुलर कैनाल मेंटेन करता है। एक मतलब डायनेमिक बैलेंस, डायनेमिक बैलेंस मतलब पढ़ते पढ़ते आप ऐसे बैठते हो, ऐसे बैठते हो, ऐसे नीचे लिख रहे हो, ऐसे देख रहे हो आप ऊपर, हे भगवान कब क्लास खत्म होगा। ओके, तो ये आपके हेड का कौन सा बैलेंस हुआ? डायनेमिक बैलेंस। ये सारे बैलेंस में हेड प्रॉपर रहता है, ऐसा नहीं कि नीचे देखा तो डायरेक्ट वो ग्रेविटी की तरफ पूरा झुक गया, जमीन को टच हुआ। तो ये डायनेमिक बैलेंस कौन मेंटेन करता है यहाँ पर? क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। समझ में आया? ये हो गया डायनेमिक बैलेंस। दूसरा स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक मतलब सावधान में आप रह सकते, एकदम स्ट्रेट रख सकते आप अपने हेड को। तो ये जो हेड को आप स्ट्रेट रख सकते, एक लाइन में रख सकते, चलते वक्त भी आपका हेड जो है वो स्ट्रेट रहता है, मतलब नॉर्मल लोगों का रहता है। आपका नहीं पता, इधर देख के चलते होंगे, इधर देख के चलते होंगे तो, या फिर इधर देख के चलते होंगे,
वो ज्यादा आजकल मतलब पॉसिबिलिटीज है। ये बैलेंस समझ में आया क्या? ये बॉडी के बैलेंस की बात नहीं हो रही है। बॉडी का बैलेंस वगैरह तो हमने सेरेबेलम का फंक्शन देखा था ना, कि सेरेबेलम हमारे बॉडी के पोजीशन को बैलेंस करता है, ओरिएंटेशन को बैलेंस करता है। ईयर का बैलेंस मतलब स्पेशली जो हमारा हेड है, जो बैलेंस बिगड़ता है तो फिर चक्कर आते हैं, वो बैलेंस को ये ईयर मेंटेन करता है। अब ध्यान दो, दो तीन नाम और है इसमें, तीन चार नाम ऐड है, बस हो गया। फिर तो इधर देखो, इधर एक दो ऐसे स्टार है, कहाँ पर? एम्प्यूला में। इनको भी ये रीजेस, रीजेस मतलब ये हेयर सेल्स है, रिसेप्टर्स है। एक जो स्टार है उसका नाम है अट्रिकल और दूसरे का नाम है सैक्यूल। रिपीट करो दोनों के नाम, क्या नाम है दोनों के? अगेन रिपीट करो, क्या नाम है दोनों का? अट्रिकल एंड सैक्यूल। अगेन रिपीट करो, क्या नाम है दोनों का? अट्रिकल एंड सैक्यूल। दोनों तरफ रहेंगे, अगेन क्या नाम है दोनों का? अट्रिकल एंड सैक्यूल। इस अट्रिकल एंड सैक्यूल को भी आपको ये रिसेप्टर दिख रहे हैं, अट्रिकल एंड सैक्यूल के रिसेप्टर्स को बोलते हैं मैक्यूला रिसेप्टर्स। एंड मैक्यूला रिसेप्टर्स आर देयर फॉर अवर स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस मतलब जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, हेड को स्ट्रेट रखना है तो स्टैटिक बैलेंस जो है वो काम करेगा। बोर्ड पे ध्यान दो, बातें मत करो। तो एम्प्यूला मतलब ये स्वोलन वाला एंड, इस एम्प्यूला वाले स्वोलन वाले एंड में आपको दो चीजें दिखाई देती है। रिपीट करो, क्या दिखाई देगा? एक तो आपको यहाँ पर अट्रिकल एंड दूसरा क्या दिखाई देगा? रिपीट करो, सैक्यूल। अट्रिकल एंड सैक्यूल दोनों में भी आपको वो रीजेस दिखाई देती। रीजेस को हमने क्या नाम दिया है बताओ? मैक्यूला रिसेप्टर्स। एंड मैक्यूला रिसेप्टर्स आर देयर फॉर अवर स्टैटिक बैलेंस। अब लास्ट वाले दो लेबलिंग है बस। तो ये जो अट्रिकल एंड सैक्यूल है उनके ऊपर एक ऐसी मेम्ब्रेन कवर करती है, एक पाउच है ये। अट्रिकल एंड सैक्यूल को एक पाउच, एक मेम्ब्रेन कवर करते हैं। तो ये जो पाउच या मेम्ब्रेन अट्रिकल सैक्यूल को कवर करते हैं, दिस इज दी ओटोलिथ ऑर्गन। ये ओटोलिथ मेम्ब्रेन है, मतलब अट्रिकल सैक्यूल दोनों मिलाकर ये मेम्ब्रेन एनवेलप कर रही है। तो इन सबको मिलाकर क्या बोला है? ओटोलिथ ऑर्गन। एंड इस ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलेंगे ओटोलिथ पार्टिकल्स। एंड ओटोलिथ पार्टिकल्स जो है दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोटीन्स। अब ये पूरा तीन बार रिवाइज करना है और चौथी बार आंखें बंद करके लर्न करना है, एकदम फटाफट, तो जल्दी जल्दी होगा। बताओ इंटरनल ईयर में इक्विलिब्रियम के लिए क्या प्रेजेंट होता है? अगेन इंटरनल ईयर में इक्विलिब्रियम के लिए क्या प्रेजेंट होता है? वेस्टिबुलर एपरेटस इज मेड अप ऑफ व्हाट? आज 5:30 बजे तक नहीं जाएंगे अगर हम प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे तो। फिर एक बार बताओ इंटरनल ईयर में इक्विलिब्रियम के लिए क्या प्रेजेंट होता है? वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस इज मेड अप ऑफ व्हाट? अगेन इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। तीनों कैनाल का एंड एकदम स्वोलन होता है, तो स्वोलन एंड इज नोन एज अ इस एम्प्यूला में रीजेस है, रिसेप्टर्स है। क्या बोला गया रिसेप्टर को? क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। रिपीट करो अगेन, क्या बोला है? अगेन रिपीट करो, क्या नाम दिया है? इस क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस में कौन से बैलेंस मेंटेन होता है यहाँ पे? इसके अलावा फिर दो यहाँ पे स्टार है, उनको बोला हमने अट्रिकल एंड सैक्यूल। अगेन रिपीट करो, क्या बोला है? अगेन रिपीट करो, क्या बोला गया? अट्रिकल एंड सैक्यूल। उनमें भी ये रिसेप्टर है, कौन से रिसेप्टर रहते हैं? क्या मेंटेन करते हमारा? फिर इनके ऊपर ये मेम्ब्रेन कवर करती है, तो उसको हम नाम देंगे ओटोलिथ ऑर्गन। और इसके अंदर पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल है? ओटोलिथ पार्टिकल। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोटीन। ये सब मिलाकर सिर्फ बैलेंस करने का काम कर रहा है। यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा रहता है अंदर, पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ जो हमने फ्लूइड के नाम पढ़े हैं ना, पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ, ये सारे फ्लूइड इधर भी सेमी सर्कुलर कैनाल में भी दिखाई देते हैं। फ्लूइड में कम ज्यादा हुआ तो फिर चक्कर आते हैं, जिसको वर्टाइगो बोलते हैं। किसी को क्रोनिक वर्टाइगो का प्रॉब्लम रहता, मतलब बहुत लोगों में आजकल ये बीमारी हो रही है, ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप वगैरह यूज करने की वजह से, ज्यादा हेडफोन डालने की वजह से, कि
एक एज के बाद में 40 के एज के बाद में ये बीमारी कॉमन हो गई है। हाँ कौन थी, अगर पोजीशन चेंज करते हैं ना थोड़ा चक्कर आता है। 40 की एज के बाद में बहुत लोगों में ये बीमारी कॉमन है। आप बैठे अचानक जर बसून तुम्हें उठले किंवा झोपेतून अचानक उठले तर तुम्हाला चक्कर आल्यासारखं वाटते, बसून एकदम उठले तर चक्कर आल्यासारखं वाटते, अचानक जर कोणी आवाज दिला ना अचानक तुम्ही टर्न झाला तर चक्कर आल्यासारखं वाटते। ये सब लक्षण है कि आपके सेमी सर्कुलर कैनल जो है उसका फ्लूइड बिगड़ गया है। क्रोनिक वर्टिगो रहता किसी को, इतना ज्यादा रहता है कि मतलब पूरा ही ऐसा टर्न होना पड़ता है, एकदम ऐसे डायरेक्ट हेड टर्न ही नहीं कर सकते, यहाँ तक प्रॉब्लम रहता। चलो ध्यान दो अभी, तो ह्यूमन ईयर को कंप्लीट हमने आज पढ़ा। तीन पार्ट है ईयर के, बताओ कौन से तीन पार्ट होंगे? अगेन तीन पार्ट कौन से है बताओ? एक्सटर्नल ईयर में स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाई देगा? ईयर पिना से ये कैनाल है, उस कैनाल को हम नाम देंगे। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में आपको क्या दिखाई देगी? अगेन क्या दिखाई देगा यहाँ पर? क्या सीक्रेट करेंगे? एंड में कौन सा वाला मेम्ब्रेन रहेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज अ, बाहर के साइड में क्या रहेगा? अंदर के साइड में मेम्ब्रेन। फिर आपको दिखाई देता है यहाँ पर, इट इज मेड अप ऑफ थ्री ईयर ऑसिकल्स नेम्ड एज अ और कौन सी ट्यूब निकलेगी यहाँ से? ऐसे फैरिंग्स में ओपन होगी, क्या करेगी यूस्टेशियन ट्यूब? बैलेंस द एयर प्रेशर। उसके बाद लास्ट पार्ट इज अ इंटरनल ईयर आल्सो नोन एज अ लैबरिंथ, उसमें कॉइल वाला पोर्शन है, कॉक्लिया का हमने क्रॉस सेक्शन लिया कट किया, क्या दिखता है अंदर बताओ? दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज अ, अंदर की कैविटी को नाम देंगे, अंदर के फ्लूइड को नाम देंगे, देन दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज अ, अंदर की कैविटी को नाम देंगे, अंदर के फ्लूइड को नाम देंगे, उनके बीच की गैप को बोला गया, उसका लिक्विड रहेगा। बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सीलिएटेड सेल का स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज अ सीलिया को क्या नाम दिया यहाँ पे? स्टेरियो सीलिया। वो मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल जो उसको प्रेस करेगी, दैट इज नोन एज अ। फिर हियरिंग के बाद इक्विलिब्रियम में कौन काम करता है? वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या दिखाई देगा आपको? हर एक कैनाल का एंड स्वोलन रहता है जिसको हम नाम देंगे एम्बुला। एम्बुला में रिज है ये रिसेप्टर, दैट इज नोन एज अ। अगेन क्या बोला गया उसको? फिर अंदर दो स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड एज अ अट्रिकल एंड सैक्यूल। अट्रिकल सैक्यूल दोनों को भी क्या प्रेजेंट रहते हैं? मैक्युलर रिसेप्टर्स आर देयर फॉर अवर सेंटिंग पैलेट। उन दोनों को मेम्ब्रेन कवर करके क्या बनता है यहाँ पर? ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर आपको दिखाई देंगे ओटोलिथ पार्टिकल। पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोटीन। करो आंखें बंद करो, दो मिनट में पूरा फटाक से रिवाइज करो। बताओ क्या पढ़ा आज हमने? ह्यूमन ईयर तीन पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का नाम है एक्सटर्नल ईयर में पहला पोर्शन है ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना से वो कैनाल चालू होगा जिसका नाम है, अगेन क्या नाम है बताओ? कौन सी ग्लैंड्स रहती है वहाँ पे? अगेन कौन सी ग्लैंड्स है? क्या सीक्रेट कर रही है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के एंड पर कौन सी मेम्ब्रेन? जोर से बोलो, याद नहीं आ रहा है क्या? बोलो कौन सी मेम्ब्रेन है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बाहर के साइड में क्या रहता और अंदर रहता है मेम्ब्रेन। उसके बाद बीच वाला पार्ट मतलब कौन सा? मिडल ईयर इज मेड अप ऑफ ईयर ऑसिकल। क्या नाम है तीन ईयर ऑसिकल का? तीनों से वो ट्यूब निकलेंगी जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। का काम क्या रहता है? प्रेशर ऑन बोथ द ईयर साइड। उसके बाद इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज अ लैबरिंथ। लैबरिंथ में कॉइल वाले पोर्शन को नाम दिया, कॉक्लिया को हमने कट किया तो हमको मेम्ब्रेन दिखाई देती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन इज अ, अगेन रिपीट करो क्या नाम है? रेजिनस मेम्ब्रेन की कैविटी मतलब
स्कैला वेसिकुलाई। अगेन रिपीट करो, क्या नाम है कैविटी का? स्कैला वेसिकुलाई। इसमें कौन सा लिक्विड रहता? फेरिलिन। उसके नीचे दूसरे मेम्ब्रेन का नाम था? हाँ, अगेन क्या नाम था? बैसिलस। बैसिलर मेम्ब्रेन के अंदर की कैविटी मतलब? अगेन क्या नाम है कैविटी का? वहाँ पे कौन सा लिक्विड है? दोनों के बीच की कैविटी मतलब? स्कैला मीडिया में कौन सा लिक्विड था? बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सीलिएटेड सेल का स्ट्रक्चर मतलब? अगेन क्या नाम है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स। सीलिया को क्या बोला यहाँ पे? अगेन क्या बोला है? उसके ऊपर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया? अगेन रिपीट करो, क्या नाम दिया है? अगेन रिपीट करो, क्या नाम दिया है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स के बेस से कौन से टाइप का न्यूरॉन निकलता? एफरेंट न्यूरॉन मतलब सेंसरी न्यूरॉन। फिर बैलेंसिंग के काम के लिए कौन प्रेजेंट है ईयर में? वेस्टिब्यूलर एपरेटस। रिपीट करो अगेन, कौन प्रेजेंट होगा? वेस्टिब्यूलर एपरेटस। इट इज मेड अप ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। अगेन वेस्टिब्यूलर एपरेटस में क्या दिखाई देता है आपको? थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। कैनाल का स्वोलन एंड उसको हमने नाम दिया एम्पिला। में जो रीजेस है उसको नाम दिया गया क्रिस्टा एम्पिलरिस। अगेन क्या नाम दिया है बताओ? कौन सा बैलेंस मेंटेन करते ये? डायनेमिक बैलेंस। अंदर दो सैक है, क्या बोला दोनों को? एक है एट्रिकल, दूसरा है सैक्यूल। अगेन एक है एट्रिकल, दूसरा है सैक्यूल। ओके, एट्रिकल सैक्यूल में भी रिसेप्टर है, कौन से रिसेप्टर? मैक्युलर रिसेप्टर आर फॉर विच टाइप ऑफ बैलेंस? ओके, दोनों को भी फिर मेम्ब्रेन कवर करती है, तो दोनों को क्या, कौन सा वाला ऑर्गन बोला हमने? अगेन दोनों को मिलकर कौन सा ऑर्गन बोला बताओ? ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर हमें कौन से पार्टिकल दिखाई देंगे? ओटोलिथ पार्टिकल्स एंड दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोटीन्स। बोलो आप सो गए कुछ बच्चे? हर्षल झोपला का तो कल कितनी बार डायग्राम निकाल के लाएंगे आप?